नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइगर तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन आप सभी का इसी उम्मीद के साथ स्वागत करता हूं कि बढ़िया होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, ठीक ना। तो आज मुख्य रूप से हम आपसे बात करने आए हैं सुपर टेट की, जो एक महत्वपूर्ण भारतीय परीक्षा उत्तर प्रदेश में आपको अध्यापक बनाने के लिए, ठीक ना। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भारत की मृदा को देखा था और इस लेक्चर में उसी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। कौन सा टॉपिक? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस टॉपिक का नाम क्या है? तो इस टॉपिक का नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति की मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वनस्पति क्या होती है। तो वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे, झाड़ियां, बेलें, लताएं, फूल, फल, कांटे, इन सभी को शामिल कर दिया जाता है, ठीक ना। और प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? तो प्राकृतिक अर्थ होता है बिना मानव की सहायता के, यानी जिन ऐसी पेड़ पौधे, ऐसी वनस्पतियां जिनका मानव निर्माण नहीं किया हो बल्कि प्रकृति के द्वारा इनका स्वयं निर्माण हो जाता है, तो ऐसी वनस्पति के लिए शब्द यूज किया जाता है प्राकृतिक वनस्पति। क्या शब्द यूज किया जाता है? शब्द यूज किया जाता है प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक वनस्पति को, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए कि कौन कौन से कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक हो गया आपका तापमान। कौन सा हो गया? तापमान। दूसरा कारक आपका हो जाता है वर्षा। तीसरा कारक आपका हो जाता है उच्चावच। उच्चावच, उच्चावच को ही हम ऊंचाई या उत्तुंगता कहते हैं, ऊंचाई, ठीक ना। और उसके बाद हो जाता है क्या? उसके बाद हो जाता है ह्यूमस, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हो जाता है ह्यूमस। सबसे पहले अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान तो पौधों के लिए बेशक सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर तापमान नहीं होगा यानी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, यहां पर तापमान की, किस तापमान की बात हो रही है? सूर्य के प्रकाश। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना संभव है? और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया नहीं हो पाएगी तो क्या पौधों का भोजन का निर्माण होना संभव? तो पौधों के भोजन होना संभव नहीं है, ठीक ना। पौधों का भोजन का निर्माण होना संभव नहीं है, ठीक ना। तो तापमान तो आवश्यक है। उसके बाद अगर बात करें हम वर्षा की, तो मान लीजिएगा आपके पास यहां पर दो गमले हैं, इस गमले में आप डेली पानी डालते हैं, और इस गमले में आप पानी नहीं डाल रहे हैं। मतलब एक ऐसा स्थान है जहां पर आप डेली पानी डालते हैं, जिस गमले में आप डेली पानी डालते हैं वहां पर क्या होगा? वहां पर निश्चित रूप से वनस्पति की सघनता पाई जाएगी। और जहां पर पानी नहीं डाल रहे हैं आप, जिस गमले में पानी नहीं डाल रहे हैं उसमें वनस्पति नहीं पाई जाएगी। सीधा सा मेरा लॉजिक है कहने का कि वर्षा की मात्रा का सीधा संबंध होता है, वनस्पति की सघनता से। किसे? वनस्पति की सघनता से। अगर वर्षा की मात्रा अधिक है तो वनस्पति की सघनता अधिक होगी, और यदि वर्षा की मात्रा कम है तो वनस्पति की सघनता कम होगी, ठीक ना। तो वर्षा की मात्रा का सीधा संबंध होता है किससे? वनस्पति की सघनता से। किससे सीधा संबंध होता है? तो सीधा संबंध होता है वनस्पति की सघनता से, सीधा संबंध होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की, तो ऊंचाई की अगर बात की जाए, ऊंचाई की बात करने से पूर्व एक नंबर है, यदि आप हमारे यहाँ सुपर टेट में बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9125423936। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सुपर टेट एंट्री लेकर सेंड करना है। हमारे काउंसलर्स आपको से संपर्क करेंगे और एडमिशन की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। जो भी हमारे पेड बैच के सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको बता सकते हैं, या आप इनको बताइएगा जो अन्य है, कि किस प्रकार कितनी ईमानदारी से आपकी क्लासों को संचालित किया जा रहा है। दिन भर में 6 से 7 आपको क्लासें मिल रही है। मेरे
मेरी क्लास मिल रही है, साइंस की क्लास मिल रही है, ठीक ना, मैथ की, साइकोलॉजी की, हिंदी की, संस्कृत की, तो सारी क्लासें प्रॉपर रूप से संचालित की जा रही हैं। तो आप इनको बता सकते हैं कि किस प्रकार ईमानदारी से हमारा संस्थान टर्गतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट किस प्रकार से आपके लिए मेहनत कर रहा है, ठीक ना। आइएगा, हम बता रहे थे ऊंचाई, आपको ऊंचाई की बात करें तो समझिएगा, मान लीजिएगा ये पर्वत है, मान लीजिएगा ये पर्वत है, और यदि आप जैसे जैसे पर्वतों पर बढ़ते जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, यानी हाइट में जब वृद्धि होती जाएगी, जब ऊंचाई में वृद्धि होती जाएगी, तो याद रखिएगा तापमान में कमी आती है। लगभग लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आ जाती है, एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाएगी। मतलब आप 165 मीटर अगर ऊपर जाते हैं तो लगभग एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आ जाती है, एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। और जब ऊपर जाएंगे तो जैसे 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 हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर के साथ साथ वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी क्या हो जाती है, वर्षा की मात्रा भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यानी पर्वतीय ऊंचे ढलानों पर, पर्वतों के ऊंचे भागों में कम वर्षा होती है, और अगर कम वर्षा होगी तो वनस्पति विरल पाई जाएगी, और जहां पर निचले वाले क्षेत्रों में, पर्वतों के निचले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है, तो निचले क्षेत्रों में टेम्परेचर अधिक होने के कारण जब अधिक वर्षा होगी तो यहां पर सीधी सी बात है, वनस्पति सघन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, वनस्पति सघन पाई जाएगी। यही कारण है कि जैसे जैसे आप पर्वतों पर, जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वनस्पति की सघनता में कमी आएगी, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे वनस्पति की विरलता में क्या आती जाएगी, विरलता में वृद्धि होती जाएगी। यानी पर्वतों के ऊंचे क्षेत्रों में विरल वनस्पति और निचले क्षेत्रों में सघन वनस्पति पाई जाती है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक ना। उसके बाद एक शब्द हमारा बच्चा ह्यूमस। अगर हम बात करते हैं ह्यूमस क्या होता है सर, तो ह्यूमस की अगर बात की जाए तो ह्यूमस क्या होता है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के सड़े गले भाग को क्या कहा जाता है, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के सड़े गले भाग को एक नाम दे दिया जाता है। और क्या नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है ह्यूमस। क्या नाम दिया जाता है, तो नाम दिया जाता है ह्यूमस। तो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के सड़े गले भाग को हम किस नाम से जानते हैं, ह्यूमस। तो जहां पर ह्यूमस यानी पेड़ पौधों के सड़े गले भाग या जीव जंतुओं के सड़े गले भाग होंगे, वो क्या करते हैं, जीव जंतु जब सड़ गल जाते हैं तो नाइट्रोजन निकालते हैं, और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है, सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है, ठीक ना। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाइएगा इसी प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम भारत की वनस्पति को पढ़ते हैं। तो अगर बात करें तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति को पांच भागों में विभाजित किया गया। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया, पांच भागों में बांटा गया है। और उन पांच भागों में से हम सबसे पहली वनस्पति लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले हम इनको समझेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक ना। तो आइए इसको हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत में जहां पर वर्षा औसत से अधिक होती है। और अगर हम भारत की औसत से अधिक वर्षा की बात करें तो भारत की जो औसत वर्षा है वो 150, किसी किताब में आपको 150 सेंटीमीटर लिखी मिलता है, तो कहीं पर 125, एग्जैक्टली इसकी जो है वो 150 है, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा को हम औसत से अधिक कहेंगे, और 150 से कम को हम औसत से कम कहेंगे, ठीक ना। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत अधिक होता है, और टेम्परेचर जब अधिक होगा तो सीधी सी बात यहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी। और वर्षा अधिक है मतलब कितनी वर्षा होनी चाहिए, औसत से अधिक, तो औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, औसत से अधिक यानी 150 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए, से अधिक वर्षा, ठीक ना। चलिए अभी मैंने आपको बताया है कि यदि
वर्षा के मात्र दो गमले हैं, अभी मैंने एक्सप्लेन था कि यदि आपके पास दो गमले हैं, एक गमले में आप डेली पानी डालते हैं और एक में पानी नहीं डालते हैं, तो जिस गमले में आप डेली पानी डालते हैं वहां की वनस्पति सघन, और जहां पर आप पानी नहीं डाल रहे हैं वहां की वनस्पति क्या होती है, वहां की वनस्पति बिरल। तो यदि यहाँ पर वर्षा औसत से अधिक हो रही है तो औसत से अधिक वर्षा होने के कारण वनस्पति सघन पाई जाएगी या विरल। तो यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा होने के कारण वनस्पति कैसी पाई जाती है, वनस्पति विरल पाई जाती है, वनस्पति सघन पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, तो वनस्पति यहाँ पर सघन पाई जाती है, वनस्पति सघन। और इतनी सघन वनस्पति पाई जाती है कि सघन वनस्पति में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता, कहां नहीं पहुंचता, तो सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक ना। अगली बात समझिएगा, अब यदि तने तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, यदि ये पौधा है, ये वृक्ष मान लीजिएगा, यहां पर ये सघन है, यदि सूर्य का प्रकाश यहां पर सूर्य का प्रकाश यदि इनके तने तक नहीं पहुंचेगा तो इनके जो तने पाए जाएंगे वो बहुत ज्यादा कोमल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोमल। साथ ही साथ इन वृक्षों में जो सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वृक्षों में स्पर्धा लगी रहती है। किस बात की स्पर्धा होती है, किस बात की प्रतियोगिता होती है, इनमें सूर्य के प्रकाश को प्राप्ति करने की इनमें प्रतिस्पर्धा होती है, और सूर्य के प्रकाश को प्राप्ति करने की स्पर्धा होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, सामान्यतः बहुत ऊंचे हो जाते हैं, लगभग 60 से 65 मीटर ऊंचे होते हैं। तो पहली बात तो सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंचता है, इसलिए इनके तने मुलायम पाए जाते हैं, इसलिए इनके तने मुलायम पाए जाते हैं पहली बात। और अगर तने मुलायम पाए जाएंगे तो क्या हम इनका किसी भी प्रकार का आर्थिक दोहन कर सकते हैं, तो आर्थिक दोहन संभव नहीं। आर्थिक दोहन का मतलब क्या है, हम इनका निर्माण फर्नीचर वगैरह में नहीं कर सकते हैं, हम इनके द्वारा फर्नीचर का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक ना। साथ ही साथ अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि वनस्पति सघन है और सघन वनस्पति होने सॉरी सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक ऊंचे हो जाते हैं, ठीक ना। लगभग इनकी ऊंचाई जो है वो 60 से 65 मीटर के मध्य होती है, ठीक ना, 60 से 65, ठीक ना। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि ये आखिर पाए कहां जाएंगे जहां पर वर्षा अधिक होगी, और भारत में अगर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र देखें तो देखिएगा, ये रहा भारत में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखा जाए तो ये आपका ये पश्चिमी घाट, ये आपका कौन सा घाट है, तो ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, ठीक ना। तो आपका पूर्वी घाट के साथ साथ जो आपके पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, जो आपके कहां का क्षेत्र है, जो आपके पूर्व मेघालय और मेघालय के साथ साथ जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, इस पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट, भारत के पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। चलेगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और यहां पर लिख दे रहा हूं, जहां पर वर्षा अधिक होगी पूर्वोत्तर भारत, ठीक ना। या और पूर्वोत्तर भारत के साथ अंतर्गत ही मेघालय राज्य आता है, तो मेघालय, ठीक ना। ये हो गया,
बनाइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कि सर इसके अंतर्गत वनस्पति कौन कौन सी आती है। तो देखिएगा, अगर हम इनके अंतर्गत सदाबहार वनों के अंतर्गत वनस्पति को लिखें तो इनके अंतर्गत आता है आपका बांस, इनके अंतर्गत आते हैं आपके रबर, इनके अंतर्गत आता है आपका सिनकोना, सिनकोना इनके अंतर्गत आता है आपका चंदन, इनके अंतर्गत आते हैं अबनूस, इनके अंतर्गत आता है आपका केला, ठीक है ना। तो बांस है, रबर है, चंदन है, सिलकोना, अबनूस है, केला है, ये सारे के सारे किस प्रकार के होते हैं, इस सभी के सभी सदाबहार वनों के उदाहरण। बांस देखें आप लोग, बांस सामान्यतः बहुत ऊंचा होता है। क्या बांस जो होता है, क्या बांस का आप फर्नीचर का में उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? जो बांस होता है वो खोखला होता है, ठीक ना, खोखला होता है, मजबूत नहीं होता, बल्कि कैसे पाया जाता है, कैसा इसलिए सूर्य के प्रकाश प्राप्ति कारण अत्यधिक ऊंचे होते हैं पहली बात तो, और जब सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता इसलिए क्या पाए जाते हैं, कितने मुलायम, और मुलायम पाए जाने के कारण इनका हम आर्थिक दोहन नहीं कर सकते, ठीक ना। तो बांस का हम आर्थिक दोहन बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, आमतौर पर बड़े बड़े फर्नीचर बनाने में उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, एक प्रकार से हम केवल उसका उपयोग जुआड़ के रूप में करते हैं, ठीक ना, कोई समझना, जुआड़ के रूप में हम उसको कर लेते हैं। आपके सामने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एक मेरा पढ़ाने का तरीका है, और इस तरीके को मैं एक नाम देता हूं फ्लो चार्ट और स्मार्ट तरीका, इससे सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने सजोया है और किस प्रकार से आपको चीजें एक एक करके लिंक बताई है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम कि आखिर सर इन्हें सदाबहार वन क्यों कहते हैं। तो देखिएगा, सदाबहार वन क्या होते हैं, मान लीजिएगा आपके पास एक बगीचा है, आपके पास एक बगीचा है और इस बगीचे में इतने सारे वृक्ष लगे हुए हैं, आपके पास एक बगीचा है और इस बगीचे में मान लीजिएगा इतने सारे वृक्ष लगे हुए हैं, एक बगीचा है और इस बगीचे में इतने सारे वृक्ष लगे हुए, ठीक ना, समझिएगा। मान लीजिएगा जनवरी का मंथ आया और जनवरी के मंथ में हुआ क्या, इस वृक्ष ने अपने पत्ते गिरा दिए, बताइएगा क्या आपको ए हरा भरा दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, दो ही तीन वृक्षों ने अपने पत्ते गिराए हैं। उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी का मंथ आया और जैसे ही फरवरी का मंथ आया इसके पत्ते वापस आ गए, इसके पत्ते वापस आ गए और इसके पत्ता भी वापस आ गया, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसकी पत्तियां चली गई, इसकी पत्तियां चली गई, क्या कोई ज्यादा अंतर दिखाई दिया? नहीं, कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, अभी भी आपको हरा भरा दिखाई देगा। अब मान लीजिएगा मार्च का मंथ आया और मार्च में हमने देखा कि मार्च में इसकी पत्ती वापस आ गई, यहाँ के वृक्ष की पत्ती वापस आ गई, यहाँ की वृक्ष की पत्ती वापस आ गई, यहाँ के वृक्षों की पत्तियां चली गई, क्या कोई ज्यादा अंतर पड़ा? नहीं, कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, ठीक ना। तो इन्हीं को नाम दे दिया गया सदाबहार वन। सदाबहार वनों का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हरे भरे रहेंगे, कोई भी वृक्ष सदैव हरा भरा नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक वो पत्तियां नहीं गिराएगा, जब तक नहीं पत्तियां नहीं आएंगी और जब तक उसमें न्यू पत्ती नहीं आएगी, जब तक उसमें फलों का विकास होना संभव नहीं है। तो आपसे पूछा जाए अगर सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो सदाबहार वन क्या होते हैं, ऐसे वृक्ष जो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वर्ष के अलग अलग समय में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है और इनको नाम दिया जाता है सदाबहार वन। क्या नाम दिया जाता है इनको, तो इनको नाम दे दिया जाता है सदाबहार वन। अभी मैं पतझड़ वन पढ़ाऊंगा, जस्ट ऐसा ही है। अगर मान लीजिएगा मार्च है, मार्च के बाद मान लीजिएगा अप्रैल आया, मैं ही समझा दे रहा हूं, पतझड़ किन्हें कहेंगे, मान लीजिएगा मार्च है, मार्च के बाद मान लीजिएगा अप्रैल आया और मान लीजिएगा हमने देखा कि अप्रैल आते ही सारे वृक्षों ने क्या किया, अपनी पत्तियां गिरा दी। तो यदि वृक्ष वर्ष के एक निश्चित मौसम है, यदि वनस्पति वर्ष के एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं तो उनको पतझड़ कहते हैं, और जब अलग अलग समय में गिराती हैं तो एक वृक्ष अपनी पत्ती गिराता है, दूसरे की आती है, तीसरा गिराएगा, चौथी की पत्ती आएगी, तो इस प्रकार से उस वनस्पति को हम क्या नाम दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं हम सदाबहार। क्या नाम दे देते हैं उसको, उसको नाम दे दिया जाता है सदाबहार, ठीक ना। तो ये वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं जिस कारण से हरे भरे दिखाई देते हैं, और हरे भरे दिखाई देने कारण इनको एक नाम दे दिया गया, सदाबहार वन, ठीक ना। तो ये पहली वनस्पति थी आपकी। अगली वनस्पति उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन
पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय कौन सी वन? पतझड़ वन। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की बात करें, ये भी अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन वर्षा जो होती है यहां पर वर्षा औसत यानी 150 सेंटीमीटर के आसपास का क्षेत्र, यहां पर 150 सेंटीमीटर का आसपास, तो जहां पर औसत वर्षा हो रही होती है वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? वहां पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। अब बताइएगा, अगर औसत वर्षा हो रही है तो वनस्पति सघन पाई जाएगी या विरल? तो अगर औसत वर्षा हो रही तो वनस्पति कैसी पाई जाएगी? वनस्पति विरल पाई जाती है। अगर वनस्पति विरल पाई जाएगी तो विरल वनस्पति में सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो विरल वनस्पति में सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंचेगा। जब विरल वनस्पति में सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुंचेगा तो धरातल तक पहुंचने के कारण इनके जो तने होंगे वो तने कैसे होंगे? तने कठोर होंगे, और जब तने कठोर होंगे तो इनका हम आर्थिक दोहन कर सकते हैं। तो इनका हम क्या कर सकते हैं? इनका हम आर्थिक दोहन कर सकते हैं। ठीक ना, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि ये कहां पाए जाते हैं, तो जहां पर औसत वर्षा हो रही हो तो औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ये पाए जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, जैसे ये पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, जैसे ये पाए जाते हैं आपके बिहार के क्षेत्र में, जैसे ये पाए जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये पाए जाते हैं आपके झारखंड के क्षेत्र में। इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं हम क्या इनके अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहां पर जो भी वनस्पति पाई जाएगी वो पतझड़ वनस्पति पाई जाएगी, या इसी को पर्णपाती वनस्पति भी कहते हैं हम। तो जैसे हमारे और आपके यहां यानी उत्तर प्रदेश में आम पाया जाता है, आम है, नीम है, पीपल है, बरगद है, शीशम है। तो आम है, नीम है, पीपल है, बरगद है, शीशम है, ठीक ना, महुआ है। तो ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत वृक्ष आते हैं। अब बात करें कि इन्हें पतझड़ क्यों कहा जाता है, पतझड़ या पर्णपाती क्यों कहा जाता है? तो इन्हें पतझड़ या पर्णपाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वर्ष के एक निश्चित समय में क्या कर देते हैं? अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो पतझड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ष के एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, समय या मौसम। तो वर्ष के एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और निश्चित मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं इसलिए इनको एक नाम और दिया जाता है, और इनको नाम दिया जाता है मानसूनी वन। क्या नाम दे दिया जाता है इनको? एक नाम दे दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है मानसूनी वन। तो चाहे मानसूनी वन बोले चाहे पतझड़ वन बोले, एक ही बात है, ठीक ना। चाहे मानसूनी वन बोला जाए चाहे पतझड़ वन बोला जाए, एक ही बात है, ठीक ना। चलिएगा, बताइएगा यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो ये दूसरी वनस्पति हो गई, वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, या निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिराते हैं, और निश्चित मौसम में जब अपनी पत्तियां गिरा देंगे तो हमें हरा भरा नहीं दिखाई देगा, और जब हमें हरा भरा नहीं दिखाई देगा तो इसी को हम क्या नाम दे देंगे? पतझड़ या पर्णपाती या मानसूनी वन, ठीक ना। चलिए, उसके बाद तीसरी वनस्पति आती है हमारी कटीली झाड़ियां या कटीली वनस्पति। अगर हम बात करें कटीली झाड़ियां कटीली वनस्पति भारत में ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर वर्षा औसत से अत्यंत कम होती है, तो पहला पॉइंट यही रहेगा, वर्षा औसत से अत्यंत कम, ठीक ना, लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक ना। अब
अगर हम बात करें वर्षा औसत से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते, तो ऐसे क्षेत्र कहां पर है, तो पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है। पंजाब के साथ साथ कहां पाई जाती है, राजस्थान के क्षेत्र में, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में, दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाती है, और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, गुजरात। ठीक ना। अगर हम बात करते हैं कि कटीली वनस्पतियों के अंतर्गत कौन सी वनस्पतियां आती हैं, तो कटीली वनस्पतियों के अंतर्गत आती है आपके नागफनी आती है, नागफनी के अंतर्गत और क्या आती है, कैक्टस। नागफनी हो गई, कैक्टस हो गई, और क्या हो गया, बेर हो गया, खजूर हो गया, बेर, खजूर, फर्न। ठीक ना। तो ये सारी वनस्पतियां हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं, कटीली वनस्पतियां। देखिएगा, नागफनी या कैक्टस या बेर आपने देखा होगा, तो कटीली वनस्पतियों में क्या पाए जाते हैं, कटीली वनस्पतियों में कांटे पाए जाते हैं, और कांटे का क्या कार्य होता है, मान लीजिएगा ये नागफनी का ऐसा वृक्ष होता है और यहां पर क्या पाए जा रहे हैं, यहां पर कांटे पाए जाते हैं। कांटा जो होता है वो चिकना और चमकीला होता है। कांटा जो होता है वो कैसा होता है, तो कांटा जो है वो चिकना और चमकीला होता है। तो चिकना और चमकीला होने के कारण जैसे ही कांटे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वो सूर्य के प्रकाश को क्या कर देता है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यदि कांटा ना होता तो सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में पत्ती पर पड़ता और पत्ती उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती, और अवशोषित करने के बाद यहां से बाष्पीकरण या बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती, और पाए कहां जा रहे हैं, जहां पर वर्षा औसत से कम है। और अगर यहां से वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन का दर कम होता है, तो धीरे 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 ये पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। दूसरे शब्दों में मान लीजिएगा एक वृक्ष है, या एक मान लीजिएगा ये मानव है, इसको मैं पर डे दो रोटी देता हूं, पर डे दो रोटी खाता है, और या पर डे मैं इसको 100 जूल ऊर्जा देता हूं, 100 जूल की इसे ऊर्जा मिलती है पर डे, और पर डे इससे काम लिया जाता है 300 जूल ऊर्जा का। तो आप बताइएगा, इनपुट तो आप कम दे रहे हैं उसे, 100 जूल का दे रहे हैं, और आउटपुट ले रहे हैं 300 जूल का। तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा और धीरे धीरे बीमार हो जाएगा। बीमार होने के बाद कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु होना संभव है, क्योंकि उसको आप पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। वही बात यहां पर है कि पाए कहां जा रही है, कटीली वनस्पति जहां पर वर्षा औसत से कम है। अब पानी तो हम कम दे रहे हैं, और यदि यहां से आउटपुट यानी वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन का दर अधिक होता है, तो धीरे 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 पौधा सूख जाएगा, और सूखने के बाद पौधे की क्या हो जाएगी, सूखने के बाद पौधे की मृत्यु हो जाएगी। तो वाष्पीकरण, कांटे पाए जाते हैं, और कांटे क्या करते हैं, वाष्पीकरण कह लीजिएगा या वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम कर देते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम कर देते हैं। ठीक ना। अगला बात समझिएगा, चूंकि ऐसे क्षेत्र में पाए जा रहे हैं जहां पर वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, और वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होने के कारण इनकी जड़ें जो है वो पानी की तलाश में दूर दूर तक फैल जाती है, तो कटीली झाड़ियों या कटीली वनस्पतियों की जड़ें अत्यंत लंबी होती हैं। ठीक ना, क्या होती है, जड़ें इनकी अत्यंत लंबी होती हैं, और लंबी होने कारण क्या है, पानी की तलाश के कारण क्या हो जाती है अत्यधिक लंबी हो जाती। ठीक ना, जल्दी से इसी प्रकार से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया तरीका है। आपको लिखना नहीं है, एक एक से चीजों को समझना, पॉइंट बना के लिखेंगे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिएगा, मैं एक बार समझा रहा हूं, आप बनाइएगा। कटीली झाड़ियां कहां पाई जाएंगी, जहां पर वर्षा औसत से अत्यंत कम हो, कहां, 25 से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में। कहां पर वर्षा कम होती है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन सी वनस्पति आती है, नागफनी है, कैक्टस है, बेर है, खजूर है, ठीक ना, फर्न है। क्या पाए जाते हैं, कांटे, और कांटे का कार्य क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम कर देता है।
कटीली झाड़ियों की जड़ें अत्यंत लंबी पाई जाती हैं। क्यों? पानी की तलाश के कारण वो दूर दूर तक क्या हो जाती हैं, दूर दूर तक फैल जाती हैं। और प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक वस्तु की एक प्रत्यास्था सीमा होती है, उससे ज्यादा वो कार्य नहीं कर सकता है। एक एक क्षेत्र विशेष तक तो ये फैलती है, जिनको पानी की प्राप्ति नहीं होती वहां पर भी, तो धीरे 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 सूखना क्या होने लगती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक ना, चलिए बनाइए। ठीक है, ये आपका कटीली वनस्पति है। कटीली वनस्पति के बाद अगला आता है हमारा पर्वतीय वन। अगर हम बात करें पर्वतीय वन की, तो नाम से ही समझ में आ रहा है पर्वतीय वन कहां पाए जाएंगे, तो पर्वतीय वन पर्वतों पर पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहां पाए जाते हैं, पर्वतों पर पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहां पाए जाते हैं, पर्वतों पर पाए जाते हैं। और पर्वतीय वनों का जो आकार है, पर्वतीय वनों का जो आकार है, ये आकार शंकु के आकार का है। आकार जो है वो शंकु के आकार का है, और शंकु के आकार का होने के कारण इसको एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है शंकुधारी वन। क्या नाम दिया जाता है, शंकु के आकार का होने के कारण इसको एक नाम दिया जाता है, नाम दिया जाता है शंकुधारी वन। अगर हम बात करें कहां पर पाए जाते हैं, राज्यों की बात करें, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक ना, या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र कह लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, हिमाचल हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में पाए जाते हैं, आपके सिक्किम के क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिक्किम। ठीक ना, सिक्किम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिक्किम के अलावा और कहां पाए जाते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, अरुणाचल में पाए जाते हैं। ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, सतपुड़ा एवं विंध्याचल, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र में, सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक ना, और साथ ही साथ पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत, पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत के पर्वतों पर, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र में। और पश्चिमी घाट या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहां पर सोला नामक घास पाई जाती है, सोला नामक घास पाई जाती है, सोलास, सोला ने सोलास, सोलास घास के कारण यहां पर सोलास घास पाई जाती है, तो सोलास घास के कारण इन्हें एक नाम और दिया जाता है, और नाम दिया जाता है सोला वनस्पति या सोला वन, सोला वनस्पति है सोला वन। ठीक ना, चलेगा। तो इस प्रकार से पर्वतीय वन है। देखिएगा, पर्वतीय वनों की अगर हम और बात करें, अगर हम बात करें हिमालय की, तो जैसे जैसे हमने बताया आपको, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आने के कारण ऊंचे वाले क्षेत्रों में कम वनस्पति पाई जाएगी, और जबकि निचले वाले क्षेत्रों में अधिक वनस्पति पाई जाएगी। अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की, अगर हम बात करते हैं आपसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की, तो अगर हमसे आप बात होती है हिमालय की, तो पूर्वी हिमालय पर, पूर्वी हिमालय पर अधिक वर्षा होने के कारण, पूर्वी हिमालय पर अधिक वर्षा होने के कारण, पूर्वी हिमालय पर अधिक वर्षा होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण, पूर्वी हिमालय पर अधिक वर्षा होने के कारण वनस्पति क्या पाई जाएगी यहां पर, तो यहां पर वनस्पति की सघनता, वनस्पति सघन पाई जाएगी। और पश्चिमी हिमालय पर, ये तो पूर्वी हिमालय की बात हो गई, बात करेंगे पश्चिमी हिमालय, तो पश्चिमी हिमालय पर वर्षा कम होती है, और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण वनस्पति वहां पर विरल पाई जाती है। वनस्पति कैसी पाई जाती है, वहां पर विरल पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पर्वतीय वनों के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो पर्वतीय वनों के अंतर्गत जो शंकु के आकार का होता है, इसको आपने देखा ही होगा, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, अशोक हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, ठीक ना, पाइन हो गया, ओक हो गया, ओक, चेस्टनट, ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, लारेल हो गया, लारेल। तो ये सारे के सारे वृक्ष पाए जाते हैं, अशोक, देवदार, चीड़, पाइन, ओक, चेस्टनट, लारेल, ये सारे के सारे वृक्ष आते हैं किसके अंतर्गत, पर्वतीय वनों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, पर्वतीय वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना, चलिए बनाइएगा इसको, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम एक और वनस्पति पढ़ी। हमने बताया था कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति को पांच भागों में बांटा गया है,
सदाबहार वन, पतझड़ वन, पर्वतीय वन और कटीली वनस्पति। उसके बाद एक और है और इसका नाम है मैनग्रोव वन। क्या नाम है इनका? तो इन वनों का नाम है मैनग्रोव वन। और मैनग्रोव वनों को एक नाम और दिया जाता है अनूप वन। क्या नाम दिया जाता है इनको? अनूप वन। या इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है कच्छ वनस्पति, क्योंकि कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो कच्छ वनस्पति। ठीक ना, बात समझिएगा हमारी बात समझिएगा। अगर हम बात करते हैं मैनग्रोव वनों की, तो मैनग्रोव वन जो है वो खारे पानी में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? खारे जल में पाए जाते हैं। खारे जल में पाए जाते हैं, खारे जल में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव वन खारे जल में पाए जाते हैं। ठीक ना, अब बात करें अगर कि खारा जल सर कहां पाया जाता है, तो समुद्र भारत है और यहां पर बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र है और यहां पर अरब सागर है, यहां पर नीचे हिंद महासागर। तो तटवर्ती क्षेत्र, क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र होते हैं और समुद्री क्षेत्रों में ही क्या पाया जाता है? समुद्र में ही खारा पानी पाया जाता है। तो दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं कि खारे पानी में पाए जाते हैं अर्थात तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अर्थात तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अर्थात कहां पाए जाते हैं? अर्थात तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से वन? मैनग्रोव वन। कहां पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में। अगर बात करें सबसे ज्यादा कहां पर है, तो अंडमान निकोबार क्षेत्र में है, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार के अलावा कहां पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया आपका, गुजरात में पाए जाते हैं कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में, गुजरात, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, गुजरात, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र। और कहां पाए जाते हैं? तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। कौन से वन? तो मैनग्रोव वन। ठीक ना, अगर हम बात करें कि कच्छ वनस्पति या मैनग्रोव वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से वन आते हैं, तो इनके अंतर्गत वृक्ष आते हैं या इनके अंतर्गत जो वनस्पति शामिल है, मैनग्रोवा, सुंदरी नामक वृक्ष आते हैं, सुंदरी, सुंदरी वनस्पति लिख रहा है मैं यहां पर। इनके अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पति है? मैनग्रोव है, सुंदरी है, कैसुरीना, कैसुरीना, केबड़ा, ये सारी वनस्पति आती है। गंगा नदी, बल्कि गंगा नदी तो नहीं बोलना चाहिए, गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र जो यानी बांग्लादेश में जब जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में आती है तो उसे जमुना कहते हैं। तो जमुना और पद्मा जब मिल जाती हैं तो नाम होता मेघना और एक नदी होती है हुगली। तो इनके बीच का जो डेल्टा है उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? तो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में हुआ क्या है कि सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई जा रही है। उस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता पाई गई और सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण ही उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया गया। क्या रख दिया गया? उस डेल्टा का नाम रख दिया गया सुंदरबन डेल्टा। ठीक ना, तो डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया गया। जो कच्छ वनस्पति या मैनग्रोव वनस्पति होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अच्छे अवशोषक हैं ये। अच्छे अवशोषक का मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है और तटीय क्षेत्रों में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ये उस संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिस कारण से तटीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या कम पाई जाती है। जबकि धरातलीय यानी जो समुद्र से दूर क्षेत्र है, धरातलीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या अधिक पाई जाती है। दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में कम प्रदूषण पाया जाता है। क्यों? कारण है क्योंकि मुंबई समुद्र के किनारे और समुद्र में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं और मैनग्रोव वन किसको अवशोषित कर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए क्या है यहां पर क्या होता है, कम मात्रा में वायु प्रदूषण पाया जाता है। कहां पर? मुंबई में और दिल्ली में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वायु प्रदूषण पाया जाता है। ठीक ना, तो ये आज आपकी क्लास रही। आज हम लोगों ने भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ा। ये हमारा नंबर है सुपरटेट एंट्री का 9125423936। आपको अगर एडमिशन लेना है और हमारे सदस्य जो हैं जो पढ़ रहे हैं पेड बैचों में, वो बता सकते हैं आपको कितनी ईमानदारी पूर्वक हमारी क्लासेस संचालित हो रही, तो इस नंबर पर आप एंट्री मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक ना, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।